हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीडीएस के ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ संजय वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? व्हेन अरे ऑफ लाइट इंसिडेंस, व्हेन अरे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस और मिरर, इट बाउंस बैक इन सेम डायरेक्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कभी प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर, जैसे कि कोई पॉलिश किया हुआ सरफेस या मिरर दर्पण पर पड़ता है, तो यह उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, लेट्स बी सी। सपोज दैट दिस इज अ स्मूथ सरफेस, दैट इज एम एन। ओके, इसे क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, मिरर, मिरर। ओके, मिरर। व्हेन अरे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ, इट गो बैक दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे एंड अ परपेंडिकुलर लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज नॉर्मल, कॉल्ड एज नॉर्मल। ओके, एंड दिस एंगल इज अ इंसिडेंस एंगल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, दिस इज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरो इस मिरर पर या स्मूथ सरफेस पर आ रही है, इसे हम इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट ओ से जो रे वापस लौट जा रही है, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, क्या कहते हैं इसे, आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर हम जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब। ओके, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन ए ओ
एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल एन ओ बी इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे प्रवर्तन कोण कहते हैं। ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट हाउ एरे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड थ्रू अ पॉलिश्ड सरफेस। ओके, लेट्स बी सी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, डियर स्टूडेंट्स, देर आर फॉलोइंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नंबर वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स वॉट? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मीन्स वॉट? मैथमेटिकली एंगल ए, एंगल ए ओ एन दैट इज आई इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी इज आर। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, आर ऑलवेज ऑक्यूपाई वो आर प्रेजेंट इन अ सेम सरफेस। मीन्स वॉट? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज आर इंसिडेंट रे, दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज आर नॉर्मल। दिस थ्री रेज आर प्रेजेंट इन अ अपर साइड सेम प्लेन। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई टोल्ड यू दैट द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट द एंगल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज प्रेजेंट ओ आर ऑक्यूपाई इन अ सेम प्लेन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन हायर क्लास there is no doubt that the angle of incidence is always angle of reflection. Means if in a question angle I is equal to 35 degree, then angle R is equal to also 35 degree. Okay, यदि angle I 35 degree का कोण बनाती है, 35 degree का है, तो एंगल आर भी 35 डिग्री का होगा। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज मिरर एंड व्हाट इज हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन and what are the laws of reflection. So I am requesting to all of you, please watch this video carefully and note down the important topics related to this video. Thank you, have a nice day.